हरे कृष्णा। सत्यभामा माता ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप तो सारे काल, सारे तिथि, सारे महीने सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक ये आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है, इसको आप ज़्यादा महत्व देते हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कहते हैं कि एक बार नारद मुनि और पृथु महाराज जो बेन के पुत्र थे उनके बीच में यही वार्तालाप हुआ था, तो मैं तुमको वही सुनाता हूँ। एक असुर था जिसका नाम था शंख, अर्थात शंखासुर। वो सागर का पुत्र था और उसने देवताओं के लोक स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करके उस पर विजय प्राप्त की, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को उनके घर से भगा दिया बाहर। देवता बाहर विचरण करने लग गए, परंतु फिर भी देवता शक्तिशाली थे। तब शंख सोचने लग गया, शंखासुर सोचने लग गया कि इनको कमजोर कैसे किया जाए। तो देवतागण अक्सर वेदों को पढ़ते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों से यज्ञ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं देवतागण। तो शंखासुर सोचा कि यदि मैं वेदों को ही नष्ट कर दूं तो इनकी शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वेदों का उच्चारण करके भगवान विष्णु को ये प्रसन्न करते हैं और भगवान विष्णु इनको शक्ति देते हैं। तो वो विष्णु भगवान के पास गया। जब शंखासुर विष्णु भगवान के पास गया, विष्णु भगवान योग निद्रा में थे, जो अक्सर भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, उनके जो शेषनाग शैया है उसके ऊपर सोते हैं। तो शंखासुर सोचा कि अच्छा मौका है, अभी तो भगवान विष्णु सो रहे हैं, अभी मैं जाकर ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लेता। जब ब्रह्मा जी के पास गया और वेदों को हर के भागने की कोशिश किया तो वैदिक मंत्र जल में समा गए, अपने बीज समेत। वैदिक मंत्रों में कुछ बीज मंत्र होते हैं, तो बीज मंत्र के साथ सारे वेद जल में समा गए। तब ब्रह्मा जी भी सचेत हो गए कि ये असुर चुरा रहा है हमारे वेदों को। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं सारे देवताओं को लेकर, और शंखासुर जल में जाता है ढूंढने के लिए वैदिक मंत्रों को। शंखासुर जल में ढूंढ नहीं पाता है बहुत प्रयास करने के बाद भी, और ब्रह्मा जी भगवान के पास जाकर स्तुति करने लगते हैं, ब्रह्मा जी और बहुत सारे देवतागण। तो जब स्तुति करते हैं बहुत देर तक, तब भगवान योग निद्रा से अपनी आंखें खोलते हैं, जगते हैं और बोलते हैं, मैं प्रसन्न हुआ तुम लोगों से, तुम लोग अब तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो समस्या है उसका मैं निराकरण अवश्य करूँगा। तो भगवान को तो समझ में आ ही जाता है कि ये लोग क्या मांगने के लिए आए थे, पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सारे देवतागण और ब्रह्मा जी भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं। जैसे भगवान वहां पे जाने के बाद, गुणगान करते हैं, पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि सब भगवान के लिए लेकर जाते हैं, और वहां भगवान के जगने के बाद उनकी पूजा करते हैं, पहले से स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं मत्स्य रूप धारण करूंगा और जो वैदिक मंत्र समा गए हैं जल में, उनको मैं निकाल कर वापस तुम्हें दे दूंगा। और भगवान बोलते हैं कि तुमने चूंकि मुझे एकादशी के दिन जगाया, इसीलिए एकादशी तिथि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मनाने योग्य है, इसको सदा इसकी ज्यादा उपासना की जानी चाहिए और ये मुझे अत्यधिक प्यारी है, क्योंकि तुमने मुझे एकादशी के दिन जगाया और मैं प्रसन्न हूं। तो एकादशी का महत्व हो गया। और उस दिन वो जो एकादशी थी वो थी आश्विन मंथ, आश्विन महीना की एकादशी। तो भगवान ने कहा आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आज है उससे लेकर अगला महीना अर्थात कार्तिक के
शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको देव उठानी एकादशी कहते हैं, तब तक के लिए जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात एक प्रहर जब रात्रि रहे तभी उठ करके जो स्नान करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करेगा अच्छे नदी के जल में इत्यादि, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जो इंद्र को कहते हैं, जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं, हे इंद्र उनको मेरे लोक में तुम पहुंचा देना। और यम को कहते हैं, सदा तुम उनकी रक्षा करना विघ्नों से। वरुण को कहते हैं, तुम उनको पुत्र पौत्र इत्यादि देते रहना। कुबेर को कहते हैं, तुम उनके धन की वृद्धि करना। तो इस प्रकार भगवान इस कार्तिक महीना और एकादशी ये दोनों को ज्यादा महत्व देते हैं, उस क्योंकि आश्विन महीने का जो एकादशी था, द्वितीय पक्ष का जिसको हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं, उस समय से लेके कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और बाद में जो 5 दिन पड़ता है, 5 दिन बचता है, 4 दिन, उसका भी बहुत महत्व है।